हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज लोगों को मैं आज ऐसी एक बात बताने वाला हूँ जो जिस पे आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे, यकीन भी नहीं करोगे कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी। तो फ्रेंड, जैसे कि मुझे 2 स्ट्राइक मिल चुकी है, अब मुझे नहीं लगता मेरा चैनल आगे बढ़ पाएगा या नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन मैंने अभी जो है, अभी करंट में मैंने एक वीडियो डाली थी, वो मेरा पर्सनल कंटेंट था, लेकिन उसे मुझे जो है कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है। हो सकता है फ्रेंड्स, अगर आपको क्लियरली देखना है आपको कैसे जो है कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है और आप कहाँ देख सकते हो, तो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आपको जो अपने चैनल पे क्लिक करना है और क्रिएटिव स्टूडियो में चले जाना है। चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट में आपको दिखेगा चैनल ऑप्शन, तो चैनल ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेटस एंड फीचर्स में आपको जो है दिख जाएगा क्लियरली, आप यहाँ देख सकते हो। और जो है मुझे यहाँ पे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक मिले हैं, तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे मेरा जो है अभी शो हो चुका है। और मुझे नेक्स्ट जो थर्ड जो मेरा लास्ट चांस होगा कॉपीराइट स्ट्राइक के लिए, तो मेरा यहाँ पे चैनल सस्पेंड हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मुझे 2 चैनल स्ट्राइक मिली है यहाँ पे, आप देख सकते हो क्लियरली। हो सकता है आप लोगों को मिल सकता है क्योंकि ये इमेज के थ्रू आपको, किसी के कंटेंट के थ्रू आपको मिल सकते हैं, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल कंटेंट था वो मैं आपको चलो यहाँ से दिखा देता हूँ क्या था और क्यों मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है। लेकिन मैंने YouTube को भी मेल किया हुआ है कि मुझे ये जो है रिट्रैक्ट करने के लिए दोबारा से मेरी वीडियो को जो है रिकवर करे। तो फ्रेंड्स चलो मैं आपको दिखा देता हूँ मुझे स्ट्राइक किस किस टाइप का मिला है। तो सबसे पहले आपको चैनल में जाके, अगर आप स्ट्राइक चेक करना चाहते हैं अपनी, तो सबसे पहले आपको जो है अपने क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक करना है। क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद जो है फ्रेंड्स आपको वीडियो पर क्लिक करना है, वीडियो मैनेजर पे आप यहाँ से देख सकते हो। और आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, कॉपीराइट नोटिस। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है कॉपीराइट नोटिस के ऊपर। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ देख सकते हो मुझे 2 कॉपीराइट मिला है। 1 कॉपीराइट जो मेरा एक बिल्कुल जानने वाला है उसके थ्रू मुझे मिला है, आप लोग यहाँ क्लिक करके देख सकते हो और चेक कर सकते हो किसने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया हुआ है। तो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो मैंने एक जो है ये एक वीडियो डाली थी कि मिशन मंगल मूवी कैसे डाउनलोड करें, तो वो मैंने ट्रिक बताई थी डाउनलोड करने के लिए। उसमें कोई जो है कॉपीराइट कंटेंट नहीं था, वो मेरा पर्सनल जो है कंटेंट था। तो उसके लिए मुझे स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जो है स्ट्राइक वीडियो टेक डाउन दिया है। ये हो सकता है उनसे गलती से आया हो या फिर कोई ऐसा पिक्सल या कोई ऐसी इमेज, लेकिन मैंने ऐसी कोई इमेज नहीं डाली है जिससे मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है। हो सकता है गलती की वजह से हुआ हो, लेकिन ये काफ़ी बंदों के साथ होता है, तो आप लोगों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उन्होंने टाइम पीरियड जो दिया हुआ है 90 डेज का दिया हुआ है, क्योंकि 90 दिनों के अंदर आपका जो है कॉपीराइट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो स्ट्राइक एक्सपायर, आप यहाँ देख सकते हो नवंबर 28 नवंबर 2019। आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हो रिक्वेस्ट रिट्रैक्शन और या सबमिट काउंटर नोटिफिकेशन। आप यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अगर आपको जल्दी स्ट्राइक हटवानी है। तो मैंने ऑलरेडी मैं ये कर चुका हूँ क्योंकि मेरा जो है पर्सनल कंटेंट था। और आप यहाँ देख सकते हो जो कंटेंट के जो डिटेल्स हैं वो टाइटल ये है, और जो मुझे मिला है मैनुअली डिटेक्टिव, मीन्स ये किसी के द्वारा दिया हुआ है, मीन्स स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मुझे दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो, मैं आपको दूसरा जो है कॉपीराइट नोटिस दिखा देता हूँ किसने मुझे दिया है और क्यों दिया है। क्यों, वो तो मेरे एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास फ्रेंड है जिसके थ्रू मुझे ये कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है। और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ऐसे ही बनाऊंगा कैसे आप जो है अपना कॉपीराइट स्ट्राइक हटा सकते हैं, कैसे यूट्यूब को किस तरीके का आप मेल भेज सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ एक LED बल्ब की जो है मेरे एक फ्रेंड की, काफ़ी ख़ास फ्रेंड की वीडियो थी जो मैंने अपने चैनल पर जो है अपलोड की थी उनकी परमिशन से ही। लेकिन मुझे जो स्ट्राइक मिला था वो स्ट्राइक एक्सपायर होने वाला है 19 अक्टूबर 2019 को। तो आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो टेक डाउन, और ये जो चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट, मेरे काफ़ी ख़ास, मीन्स आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा ख़ास है। तो उनके थ्रू मुझे, आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है मैनुअली डिटेक्टेड। अगर यहाँ पे गूगल ने या मुझे फिर यूट्यूब ने दिया होता तो यहाँ पे लिखा होता क्लेमेंट का नाम, मीन्स जैसे यूट्यूब का नाम लिखा होता, तो ये मुझे किसी चैनल ने मैनुअली जो है स्ट्राइक दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो मेल ID या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट जो चैनल का नाम है, आप यहाँ देख सकते हो। तो फ्रेंड इससे होगा क्या,
आपको जो है स्ट्राइक मिलता है, 3 स्ट्राइक के बाद आपका जो है चैनल डिसेबल कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली। तो आपको दोबारा से एक मेल करना होता है, अगर मेल से नहीं हो पाता है तो आपको जो है डायरेक्ट यूट्यूब को मेल करना होता है। तो आपका जो है अगर पर्सनल कंटेंट होता है तो आपका जो है चैनल दोबारा से रिकवर कर दिया जाता है, आपकी सारी वीडियोज आपको वापस कर दी जाती है। तो फ्रेंड्स आप इस चीज़ से घबराए मत, आपको स्ट्राइक मिली है या आपको कॉपीराइट क्लेम मिला है, कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक अलग अलग होता है। क्योंकि अब आप देख सकते हैं अगर कॉपीराइट आपका कंटेंट है या फिर आपने किसी और ओनर की जो है वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है तो आपको कॉपीराइट क्लेम मिल सकता है। उसमें होता क्या है, आपका रेवेन्यू शेयर होता है, जो आपकी इनकम होती है वो आपके जो ओनर होता है उसको जाती है, या फिर 50-50% आप दोनों के पास रहती है, तो उसे बोलते हैं कॉपीराइट क्लेम। और कॉपीराइट स्ट्राइक होता है अगर आपका पर्सनल कंटेंट नहीं है, किसी और का कंटेंट है तो वो आपको स्ट्राइक दे सकता है और उससे आपका चैनल भी जो है मोनेटाइज होने से रुक जाता है या फिर आपका चैनल बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स मुझे जो 2 कॉपीराइट मिले हैं, आप लोग मुझे बता सकते हो अगर किसी के पास ज़्यादा है या फिर आप ज़्यादा कुछ मेरे से ज़्यादा अच्छा जानते हैं, आपका भी अगर हो चुका है, आपका रिकवर हो चुका है वीडियो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं मैं क्या करूं और कैसे कर सकता हूं स्ट्राइक हटाने के लिए। कोई और अदर ऑप्शन अगर आपके पास है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मेल आईडी मैंने अपनी वीडियो में दे दी है, मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा और जानकारी है कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में, मैं कैसे इसको रिमूव कर सकता हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसको ज़्यादा अगर पता है कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में, अगर किसी ने पहले वीडियो बनाई हुई है तो मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ा जानकारी दे, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे मुझे कि मैं कैसे अपना जो है कॉपीराइट स्ट्राइक हटा सकता हूँ। वैसे तो मैंने ऑलरेडी मेल कर दिया है यूट्यूब को, अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है उनका। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में यही था, मैं आपको दिखाना चाहता था मुझे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक मिले हैं और मैं जो है नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, और आप लोगों की हेल्प से क्या वो कॉपीराइट स्ट्राइक रिमूव हो सकता है। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, थैंक यू।